नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पटना पहुंचे, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मोहन भागवत का पटना आगमन हुआ है। बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर जो सीआईएसएफ के फोर्स हैं उनकी तैनाती की गई थी, 53 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर लिए गए थे, क्योंकि मोहन भागवत यहाँ पर पहुँचे हैं 3 दिवसीय दौरे के लिए और भागलपुर के मेहंदी महर्षि आश्रम में वो जाएंगे और वहाँ पर 5 घंटे रहेंगे। बता दें कि यहाँ से सीधा मोहन भागवत रवाना हुए हैं भागलपुर के लिए। भागलपुर में वो जा कर के पहले वहाँ के जो आचार्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनका कुशल क्षेम जानेंगे। इसके बाद भोजन करने के बाद वहाँ पर 6 घंटे बिताएंगे, जिसके ठीक बाद बता दें कि मेहंदी आश्रम के ऊपर एक फिल्म बनी है, वहाँ पर भी जो मोहन भागवत हैं उसके फिल्म के आउटलुक में शामिल होंगे और इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां पटना से लेकर भागलपुर में पूरी तरीके से कर ली गई है। बता दें कि भागलपुर में भी कुप्पा घाट में वो जा रहे हैं और वहाँ के महर्षियों से मिलेंगे, वहाँ पर जाकर के मुलाकात करेंगे। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार के, उनसे भी मुलाकात होगी मोहन भागवत की, और ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी बातचीत होगी और इसको लेकर के मोहन भागवत पटना पहुँचे। बता दें कि पिछले 10 फरवरी को वो भागलपुर पहुँचे थे, ये बिहार का उनका दूसरा दौरा है और ऐसे में उनमें जो सुरक्षा के अलर्ट्स है वो भी जारी किए गए हैं, खुफिया अलर्ट्स को भी जो है एक्टिव कर दिया गया, क्योंकि कई जो लोग हैं उनसे खतरा बताया जा रहा है मोहन भागवत को, और ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की तैनाती पूरी तरीके से की गई है। इसके अलावा 53 मजिस्ट्रेट हो गए या फिर जो पुलिस बल है, सुरक्षा बल हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात हैं। और मोहन भागवत किस तरीके से पटना पहुँचे हैं वो आप देख सकते हैं, हम आपको एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाते हैं कि वो पटना पहुँचे और उनके पटना आगमन को लेकर के सुरक्षा में पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में मोहन भागवत यहाँ से सीधा भागलपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।